क्यों मुस्लिम देश आज गरीब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और पूरे वर्ल्ड के 57 इस्लामिक कंट्रीज में से 45 देश आज गरीब है, और बाकी के जो 12 देश है वो भी मेजरली अपने तेल की वजह से ही अमीर है। आखिर ऐसा क्यों? कहीं इस्लाम धर्म का यहाँ पर कोई लेना देना तो नहीं है? आखिर ऐसा क्यों है कि अगर आप वर्ल्ड मैप को एक मैक्रो लेवल पर देखोगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा जंगे मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में ही हो रही है, जो मेजरली इस्लामिक रीजन है। मोसुल, डमास्कस, बेरूत, न जाने कितने ऐसे मुस्लिम देश के कैपिटल सिटीज है जो तबाह हो चुके हैं। इवन अगर आप भुखमरी से पीड़ित देशों का भी लाइव मैप देखोगे तो सबसे ज्यादा भुखमरी इन्हीं इस्लामिक कंट्रीज में है। महंगाई और इन्फ्लेशन भी आज इन्हीं देशों में हाईएस्ट है। सोमालिया में फॉर एग्जाम्पल एक डजन अंडे की कीमत 400 रुपए, यानी कि एक अंडा लगभग 40 रुपए का। ईरान में भी हालत कुछ ऐसे ही है, एक ब्रेड का पैकेट 8,500 रियाल्स का मिल रहा है, और इराक में तो एक आटे की गोनी ऑलमोस्ट 32,000 से 45,000 दिनार तक की हो गई। वेल, ये सब देखकर मे भी आपको ऐसा लगे कि इस गरीबी के पीछे मेजर कारण टेररिज्म या वॉर्स है। वेल, ये भी बिल्कुल गलत है। टेररिज्म तो इस गहरी समस्या का सिर्फ एक सिम्टम है, उसका जड़, उसका रूट कॉज बिल्कुल भी नहीं है। सो रूट कॉज आखिर क्या है? अब अगर आप ना एक नॉन मुस्लिम हो, एक हिंदू हो मे बी, तो आई एम श्योर आपके मन में आएगा कि रिलीजियस आइडियोलॉजी इस्लाम में ही प्रॉब्लम है। वो हिंसा सिखाता है, क्योंकि ISS और अलकायदा वाले उसी का हवाला देकर ही तो टेररिज्म फैलाते हैं। एंड आई डोंट ब्लेम यू, ऐसा सोचने के पीछे नॉन मुस्लिम्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि ये मुस्लिम्स भी एग्री करेंगे कि इन्हीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से इस्लाम का इमेज आज खराब हो ही रहा है। बट अगर इस्लाम में ही रूट प्रॉब्लम है, तो फिर 500 सालों तक गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कैसे चला, जिस दौर में मुस्लिम सभ्यता सबसे बुद्धिमान और आधुनिक सभ्यता रह चुकी है। उन्हीं इराक और ईरान की गलियों में जहां आज एक मुस्लिम बंदूक लेकर घूमता है, उस दौर में मुस्लिम्स किताबें लेकर घूमा करते थे। और इस्लाम भी एब्राहमिक आइडियोलॉजिकल सेक्ट से ही तो निकला है, जो पूरा सेक्ट मोनोथिज्म यानी एक ही भगवान में मानते हैं। उसी सेक्ट से तो ज्यूस का ज्यूडिज्म और क्रिश्चियंस की क्रिश्चियनिटी भी निकली है। तो एक ही भगवान में मानने की वजह से इन धर्मों में तो टेररिज्म की समस्या नहीं आई, और ज्यूस के ओल्ड बाइबल उनके तुरहाज में भी तो बहुत सी हिंसात्मक चीजों को प्रमोट किया गया। लेकिन आज हर एक ज्यू हाथों में बंदूक ताने तो नहीं घूम रहा है। आज ज्यूस यानी यहूदियों की पॉपुलेशन पूरे दुनिया में सिर्फ 0.2% है, लेकिन ये पिछले 100 सालों में बटे 25% नोबेल प्राइजेस लेकर बैठे हुए हैं। कैन यू बिलीव दैट? आइंस्टाइन भी तो ज्यू ही था, और बाकी आप समझ जाओ। ये कम्युनिटी भी एब्राहमिक लिनिएज को ही बिलोंग करती है, जिससे इस्लाम भी निकला है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के मायने में ज्यूस का कोई मुकाबला ही नहीं है। 1967 में एक फेमस अरब इजराइल वॉर हुआ था। फेमस इसीलिए क्योंकि इस जंग में इजराइल के ऊपर इन इस्लामिक देशों ने इकट्ठा होकर हमला किया, लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने सिर्फ 6 दिनों के अंदर इन सारे देशों को हरा दिया और उल्टा उनके टेरिटरीज पर कब्जा जमाने लगे। ज्यूस की तरह यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन देश, जहां पर मेजरली क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, वो भी इकोनॉमिकली और डेवलपमेंट वाइज काफी स्टेबल है। इनफैक्ट मोस्ट सुपर पावर्स आज क्रिश्चियन मेजोरिटी देश है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक ही आइडियोलॉजिकल फादर यानी एब्राहमिक सेक्ट से निकले ज्यूस और क्रिश्चियंस तो स्टेबल है, बट इस्लामिक कंट्रीज फेल हो रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं? वेल, इसे वंस एंड फॉर ऑल डेप्थ में समझने के लिए ना, हमें यह जानना होगा कि इस्लामिक साम्राज्य के साथ एग्जैक्टली कहां पर गलती हुई, कैसे एक गलती सिर्फ इस पूरे साम्राज्य का सोने का भविष्य पत्थर में बदल देगी। इससे हम हिंदूस को भी सीख लेने चाहिए। सो लगभग 8वीं सदी से इस्लाम के गोल्डन एज की शुरुआत हुई थी, एक ऐसा दौर जहां पर साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फिलोसफी, आर्ट, कल्चर, सब कुछ इस्लामिक एम्पायर में फल फूल रहा था। ये वही दौर था जब इब्न रुश्द जैसे इस्लामिक स्कॉलर्स पैदा हुए थे, जिन्हें आज फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न सेक्युलरिज्म कहा जाता है। कैन यू बिलीव दैट? इस्लामिक एम्पायर से वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का आइडिया निकला हो। 8th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी के बीच अब्बासिद खलीफ का इस बड़े से इलाके में राज हुआ करता था। इसी दौरान उन्होंने बगदाद में हाउस ऑफ विजडम नाम की एक ग्रैंड लाइब्रेरी बनाई थी, जहां पर दुनिया के कोने कोने से अलग अलग धर्मों और सभ्यताओं के विद्वानों को बुलाया जाता था, और उनके नॉलेज को अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कई सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे बिहार में भी नालंदा यूनिवर्सिटी में होता था, इस हाउस ऑफ विजडम में भी मैथमेटिक्स, मेडिसिन, रैशनल फिलोसफीज जैसे ऑलमोस्ट हर फील्ड के साइंटिफिक नॉलेज को अरेबिक में ट्रांसलेट किया जाता था। और इसी एरा में ही इब्न रुश्द जैसे पॉलीमैथ्स यानी हर एक फील्ड का ज्ञान रखने वाले मुस्लिम स्कॉलर्स दुनिया को मिले, जिन्होंने एरिस्टोटल की फिलॉसफी को दुनिया के सामने लाया। एक ऐसी फिलॉसफी जो कहती है कि दुनिया में लॉजिक और रैशनैलिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और अंधविश्वास सबसे बड़ी कमजोरी। इस एरा के कुछ दूसरे विद्वान पॉलीमैथ स्कॉलर्स थे इब्न मूसा,
जिनके लिखे अलजेब्र किताब से ही अलजेब्रा वर्ड इजाद हुआ है। इनफैक्ट आज हमारा पूरा सोशल मीडिया जिस एल्गोरिदम पर काम करता है, ये एल्गोरिदम शब्द भी इसी एरा के एक विद्वान अल-ख्वारिज्मी से ही लिया गया है, जिन्होंने हिंदू अरबिक न्यूमेरल सिस्टम को भी इजाद किया। फिर मेडिकल साइंस भी इसी दौर में काफी डेवलप हो चुका था। इसे आप बस इसी तस्वीर से समझ सकते हो जिसमें हुनैन इब्न इशक नाम के एक इस्लामिक मेडिकल स्कॉलर ने इंसानी आंखों का डिटेल में एक एनसाइक्लोपीडिया ही बना दिया था। अब इस गोल्डन एज के बाद से पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में क्रांति आ सकती थी, क्योंकि बगदाद पूरी दुनिया का एक नॉलेज हब बन चुका था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो गया कि सिर्फ एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड सिस्टम चेंज की वजह से ये पूरा इलाका इस तरीके से पिछड़ा रह गया कि आज वो बगदाद आईएसएस जैसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हब बन चुका है, जो आज दुनिया भर में टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है। और यही सिस्टम चेंज है इस्लामिक एम्पायर के डिक्लाइन का रूट कॉज। सो आखिर कैसे एक नॉलेज हब टेररिज्म का एक्सपोर्ट हाउस बन गया? हाउस ऑफ विजडम कैसे तबाह हुआ? क्यों इस्लामिक कंट्रीज अपने गोल्डन एज तक पहुंचने के बावजूद आज गरीब है? वेल, चलिए समझते हैं इस पूरे किस्से को एकदम रैशनली। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद बस यही है कि हम सारे पॉलिटिकल प्रोपोगंडास को दूर करें जो दोनों साइड से फैलाए जा रहे हैं, और असली सच्चाई सामने लाए। हम गौरव ठाकुर चैनल पर सिर्फ सच्चाई को बाहर लाते हैं। मेरी बातों पर विश्वास मत करो, मेरे काम पर नजर डालो। यही काम मैं 6 सालों से अपने साइंस चैनल पर भी करते आ रहा हूं, जो आज 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स प्लस का हो चुका है। और कई बार सच्चाई कुछ लोगों को कड़वी भी लगी है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने मुझे बस यही सिखाया है कि कड़वी सच्चाई मीठे झूठ से कहीं ज्यादा बेहतर होती है। और फिर अगर सवाल हमारे देश के बेहतर भविष्य का है, जिसे हिंदूस और मुस्लिम्स को साथ में मिलकर बनाना है, तो हमें डिवाइसिव पॉलिटिक्स से हटकर यूनाइटिंग सच्चाई की खोज खुद ही करना होगा। हमें मिलकर इंडिया का गोल्डन एज दोबारा लाना होगा, जो हिंदू मुस्लिम कोऑपरेशन से ही हो पाएगा। और मैं और मेरी पूरी टीम हमारे चैनल्स के माध्यम से पर्सनल एम्पावरमेंट और नेशनल एम्पावरमेंट के थ्रू हमारा योगदान देने के लिए कमिटेड है। हमें धर्म से पहले हमेशा देश को रखना होगा, क्योंकि अगर देश है तो ही धर्म भी होगा। और अगर देश ही नहीं रहा तो सीरिया, इराक या पाकिस्तान में सिर्फ धर्म क्या वाकई में एक अच्छी जिंदगी दे रहा है? धर्म को तो बस यूज किया जा रहा है लीडर्स द्वारा अपने फायदे के लिए। सो व्हाई इस्लामिक कंट्रीज आर गेटिंग पुअर, इसके रूट कॉज को समझने से पहले हमें 3 मेजर फैक्टर्स को जानना होगा, जो प्रॉब्लम की जड़ से एकदम स्ट्रांगली कनेक्टेड है, और जिनको समझ के ही आप रूट प्रॉब्लम को बेहतर समझ पाओगे। सो इन बड़े 3 फैक्टर्स में से पहला मेजर फैक्टर है वॉर। वॉर जो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 2 लीडर्स के वजह से ही फैला हुआ है, एक सऊदी जो सुन्नी इस्लाम का प्रचारक है और एक ईरान जो शिया इस्लाम का प्रचारक है। बेसिकली पूरे वर्ल्ड के 57 इस्लामिक कंट्रीज में आधे सुन्नी मुस्लिम्स हैं और आधे शिया मुस्लिम्स, पर सऊदी चाहता है कि सारे इस्लामिक कंट्रीज सुन्नी इस्लाम को फॉलो करें, और ईरान चाहता है कि सारे इस्लामिक कंट्रीज शिया इस्लाम को फॉलो करें, ताकि उन्हें जियोपॉलिटिकल कंट्रोल मिले। ये आइडियोलॉजिकल वॉर कुछ ऐसा ही है जैसा आइडियोलॉजिकल वॉर ग्लोबल कंट्रोल के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कोल्ड वॉर में हुआ था। अमेरिका डेमोक्रेसी फैला रहा था और यूएसएसआर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को, और मुस्लिम वर्ल्ड में ही यही आइडियोलॉजिकल वॉर मुस्लिम वर्ल्ड के कंट्रोल के लिए। अब अक्सर होता क्या है कि जब भी सऊदी किसी सुन्नी देश के किंग को फंड करता है, तब उसी देश के रिबेल्स यानी कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले शिया ग्रुप्स को ईरान सपोर्ट करने लग जाता है, ताकि वहां पर सुन्नी सरकार बदल कर शिया सरकार आ जाए। अगेन जब ईरान किसी शिया देश के किंग को फंड करता है, तब वहां के रिबेल ग्रुप्स को सपोर्ट करने सऊदी आ जाता है। और बस इसी वजह से उनमें सदियों से जंग छिड़ी हुई है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफ यानी कि लीडर कौन बनेगा। एग्जाम्पल के लिए यमन का हवाला देता हूं। यमन में 1982 में अली अब्दुल्ला साले की सुन्नी सरकार थी, तब उसे सऊदी का सपोर्ट मिला था, जिसकी वजह से वहां के रिबेल्स को सपोर्ट करने ईरान आ गया, जिसके बाद यमन में पूरे 3 दशकों तक जंग छिड़ गई। सऊदी और ईरान ने अपने अपने आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए पूरे यमन को लड़ाई के मैदान में ही तब्दील कर दिया, जिसमें 20 लाख लोग घर से बेघर हो गए, भुखमरी से मरने लगे, मेडिकल हेल्प की कमी के वजह से लोग तड़प रहे थे, जिसमें 85,000 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसा ही सेम केस लेबनान का भी है। यहाँ पर भी सुन्नी वर्सेस शिया वॉर हुआ, जिसके दौरान फूड सप्लाई चेन ही कट डाउन हो गया। लोगों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था, सभी पब्लिक स्कूल्स बंद हो गए थे। लेबनान की करेंसी लीरा, जिसकी वैल्यू तभी एक डॉलर के कंपैरिजन में 1,500 थी, वो 80,000 तक शूट हो गई, और इस सबसे वहाँ की 82% आबादी गरीबी का शिकार हो गई।
सीरिया में तो 12 सालों से ही वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से वहां की 90% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन चली गई है। और ये बस 2-3 देशों के ही हाथ से नहीं है। अगर आप इस मैप को देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे मीना कंट्रीज में आधे से ज्यादा वॉर्स इस्लामिक कॉन्फ्लिक्ट्स के ही वजह से हो रहे हैं, जिसका फंडामेंटली बस एक ही आउटकम निकल के आने वाला है, सऊदी और ईरान जैसे खिलाफत के एम्बिशंस रखने वाले देशों का फायदा और बाकी दूसरे मुस्लिम कंट्रीज का नुकसान और वहां पे गरीबी। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वॉर तो बस सिर्फ एक सिम्टम है, एक मेजर फैक्टर। अब यूजुअली हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि वॉर से तंग आकर गरीबी से उठने के लिए, खुद को स्टेबल बनाने के लिए अक्सर देशवासी तानाशाही को हटाकर डेमोक्रेसी को अपनाते हैं। पर इस्लामिक देशों के केस में यही डेमोक्रेसी की मांग इनका और गरीब बनने का एक मेजर रीजन बन गया। अब डेमोक्रेसी से गरीबी सुनने में काफी वियर्ड लगता है, राइट? वेल, जरा ये ग्राफ देखो। इस्लामिक कंट्रीज में जब भी डेमोक्रेसी की मांग उठी है, उसके तुरंत बाद यमन, लिबिया, बहरीन, सीरिया, ऑलमोस्ट हर अरब कंट्री में एक ड्रास्टिक डाउनफॉल देखने मिला है। पर इंडिया जैसे भारी पॉपुलेशन वाले एक नेशन के लिए डेमोक्रेसी अगर वर्क कर सकती है तो इस्लामिक कंट्रीज के लिए क्यों नहीं? डेमोक्रेसी की एक कहानी शुरू होती है 17 दिसंबर 2010 से, जब मोहम्मद बौजीजी नाम के क्रांतिकारी ने गवर्नमेंट बिल्डिंग के सामने खड़े होकर खुद को ही आग से जलाकर मार डाला। अब 26 साल के मोहम्मद का आत्महत्या करना ट्यूनीशिया की सरकार के पॉलिटिक्स, करप्शन और अत्याचार के विद्रोह में एक क्रांति बन गया, जिसने पूरे अरब वर्ल्ड की आंखें खोल दी। लोग घबरा गए कि कहीं उनका कोई अपना मोहम्मद ना बन जाए, और इसीलिए ट्यूनीशिया से लेकर यमन, सीरिया, लिबिया, इजिप्ट, हर मुस्लिम देश ने अपनी तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी, और इसे धीरे धीरे करके इस्लामिक देशों में पॉकेट्स में प्रोटेस्ट होने लग गए, जो कि कुछ ही दिनों में एक बड़ा रेवोल्यूशन बन गया, जिसे 2010 में नाम दिया गया द अरब स्प्रिंग। इस प्रोटेस्ट में लोगों की बस यही मांग थी कि उन्हें एक लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार चाहिए, जिससे वो खुद रूलिंग पार्टी को चुन सके, और उन्हें बेसिक ह्यूमन राइट्स मिले, जिससे वो अपनी लाइफ सुख शांति से जी सके। लोगों को विश्वास था अरब स्प्रिंग उनके फ्यूचर को सिक्योर करेगा। लेकिन जैसे आप ग्राफ में क्लियरली देख सकते हो, ट्यूनीशिया के अलावा डेमोक्रेसी की डिमांड ने हर देश की अवाम की हालत को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। बेसिकली डेमोक्रेसी की मांग में इन कंट्रीज ने अपनी कई सदियां वॉर में ही बिता दी, लेकिन फिर भी उन कंट्रीज में डिक्टेटरशिप हटने की जगह उल्टा और स्ट्रॉन्ग हो गया। मिसाल के तौर पर यमन में अरब स्प्रिंग के बाद सरकार बदली और साले चुनकर आए, पर अंत में हाउतीज ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड साले को मारकर यमन में दोबारा से वॉर शुरू कर दिया। और ऐसे ही कुछ कंट्रीज में गवर्नमेंट भी आई, पर वो गवर्नमेंट सिर्फ नाम की गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के लिए लिबिया, 2011 में डेमोक्रेसी डिमांड के बाद मुअम्मर गद्दाफी की गवर्नमेंट आई, पर गवर्नमेंट सिर्फ नाम की थी, जस्ट लाइक नॉर्थ कोरिया, जहां पर हर साल दिखाने के लिए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होने के बावजूद सरकार तो किम जोंग उन की ही बनती है। अब ऐसे भी कुछ कंट्रीज थे जहां पर गवर्नमेंट ही नहीं बन पाई। एग्जांपल के लिए सीरिया, वहां पर अरब स्प्रिंग में डेमोक्रेसी की मांग तो हुई, पर सिविल वॉर्स और कांस्टेंट एक्सट्रीमिज्म की वजह से आज तक वहां पर गवर्नमेंट ही नहीं बन पाई। बेसिकली डेमोक्रेसी आने की जगह पर इन कंट्रीज में तानाशाही और स्ट्रांग होती गई, जिसके भी पास हार्ड पावर था वो बनता चला गया रूलर। मतलब काइंड ऑफ कुछ ऐसा ही कायदा जैसे गेंगिस खान के जमाने में चलता था, जिसके पास पावर उसके पास सत्ता, जबकि दुनिया आज बहुत बदल गई है। अब आते हैं तीसरे मेन फैक्टर पर, जिसने फाइनेंशियली और इंटेलेक्चुअली इस्लामिक कंट्रीज को क्रिपल कर डाला। सो रिलीजियन एक जरिया होता है लोगों तक उनकी भलाई के कायदे और कानूनों को उनकी सहमति से लागू करवाने का। रिलीजियन का पर्पस ही होता है समाज की उन्नति और विकास, लेकिन रिलीजियन के कई कायदे समय समय के हिसाब से होते हैं। जैसे आज के तारीख में क्या कोई हिंदू बोल सकता है कि मनुस्मृति का कायदा आज के समय में लाना चाहिए इंडिया में? वेल नहीं, क्योंकि वो आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूट ही नहीं करेगा। और इसीलिए एक्सट्रीमली ज्यादा जरूरत होती है रिलीजन के एक प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन की, ताकि धर्म लोगों को जोड़े भी रखे और साथ ही तरक्की का मार्ग भी दर्शाए। बट इस्लामिक कंट्रीज में अनफॉर्चुनेटली ये राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम गोल्डन एज के बाद ही। अगर हम बात करें बैंकिंग सिस्टम और साइंटिफिक डेवलपमेंट की, तो ये किसी भी कंट्री के ग्रोथ के दो मेजर पिलर्स होते हैं, लेकिन इस्लामिक कंट्री के रेडिकल पर्सनल लॉज इन्हीं पिलर्स के खिलाफ है। सो सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम की, जो किसी भी देश का फाइनेंशियल बैकबोन होता है। तो आज के समय में इस्लामिक कंट्रीज में लगभग बैंक्स ही नहीं है। ये देखो, सऊदी में 4, बहरीन में 10 और यूएई में 7, और ट्यूनीशिया, सीरिया, यमन में तो बस 1 या 2 टोटल बैंक्स हैं। कंपैरेटिवली अकेले इंडिया के पास पूरे इस्लामिक वर्ल्ड से ज्यादा 91 बैंक्स हैं, और इसके पीछे की वजह है इनका पर्सनल लॉ। शरिया लॉ के सुरा अल इमरान के 13 से 132 वर्सेस में ये लिखा हुआ है कि पैसों पर इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना
दोनों ही गुनाह है। अब बैंक्स और क्या करते हैं, वो किसी इंडिविजुअल या कंपनी को लोन देते हैं, उसके बदले वो कंपनी बैंक को इंटरेस्ट देती है और इससे वो कंपनी बिजनेस कर पाती है जो जॉब्स क्रिएट करता है, लोगों को प्रोडक्टिव और बिजी रखता है और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करा के देश का विकास कराता है। इंटरेस्ट से मिले प्रॉफिट से बैंक का भी फायदा होता है जो फिर और पैसे पंप करती है बिजनेस इकोसिस्टम में और ये डेवलपमेंट का साइकिल चालू रहता है। अब इस पूरे इकोसिस्टम में बैंक्स का फायदा होना बहुत जरूरी है, ये याद रखना। लेकिन शरिया की पाबंदी की वजह से इस्लामिक कंट्रीज में बैंक्स एक अलग ही कॉन्सेप्ट में ऑपरेट करते हैं, इक्विटी बेसिस पर। इसमें बेसिकली कंपनीज जब भी इस्लामिक बैंक से लोन लेती है तो वो अपने कंपनी का कुछ प्रतिशत हिस्सा बैंक के नाम कर देती है, यानी ओनली इफ उस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो ही बैंक्स का भी प्रॉफिट होगा। बट अगर यही कंपनीज प्रॉफिट कमाने में फेल हो गई या बिजनेस डिफॉल्ट कर गया तो बैंक भी लॉस में जाएगा। अब मोस्ट ऑफ दी बिजनेसेस तो फेल ही होते हैं, तो बैंक आखिर लॉस क्यों उठाए? इससे बैंक का खुद का कैपिटल खत्म होने लगेगा और वो आगे सही बिजनेसेस को लोन नहीं दे पाएगा। इन शॉर्ट, बैंक ही बैंकरप्ट होकर शटडाउन हो जाएगा। इसी फ्लॉड सिस्टम की वजह से 1997, 1998 और 2009 में तीन बड़े बैंक्स फेल हो चुके हैं और ना जाने कितने ही बैंकरप्टेड बैंक्स का डेटा तो कभी बाहर ही नहीं आया। सो अनफॉर्चुनेटली इन कंट्रीज में बैंकिंग सिस्टम फेल हो रहा है, लेकिन फिर भी पर्सनल लॉ को अपडेट नहीं किया जा रहा। इसी के साथ मेजॉरिटी इस्लामिक कंट्रीज सिर्फ बैंकिंग सिस्टम के अगेंस्ट नहीं है बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट भी है, जो औरतों को प्रोफेशनल काम करने से रोक रहा है, यानी कि अपने आधे ह्यूमन रिसोर्स के पोटेंशियल को ये कंट्रीज वेस्ट कर रही है। और फाइनली इस्लामिक कंट्रीज का आखिरी लैकिंग फैक्टर जो इन कंट्रीज को गरीब बना रहा है वो है इनका आज के मॉडर्न जमाने में एंटी साइंस अप्रोच। स्क्रोल की रिपोर्ट के अनुसार कुछ इस्लामिक कंट्रीज में साइंस पढ़ाने पर बच्चे टीचर्स को काटने और मार देने की धमकियां देते हैं। जैसे इंडियन कॉलेजेस में कल्चरल ग्रुप्स होते हैं, वैसे पाकिस्तान में एंटी साइंस स्टूडेंट ग्रुप्स है जो कट्टर साइंस विरोधी है, बट वो ये नहीं समझ रहे कि उन्हीं लोगों का ही तो नुकसान हो रहा है। अब आप ही देखो साइंस के रिसर्च और डेवलपमेंट में ये कंट्रीज कितना लैग कर रही है। दुनिया की 27% पॉपुलेशन होने के बाद भी इनका साइंस के R&D में कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 0.5% है। एंड एज अ रिजल्ट इजराइल जैसा एक छोटा सा देश 2020 में अकेले 22,743 साइंटिफिक पब्लिकेशंस करता है और ये सारी इस्लामिक कंट्रीज मिलकर मुश्किल से 10,000 साइंटिफिक पब्लिकेशंस करती है। इस नोबेल प्राइज कमिटी के ऑफिशियल डेटा को देखना, यहूदियों की तुलना में 120 गुना ज्यादा मुस्लिम आबादी है, लेकिन ज्यूज फिर भी 47 गुना ज्यादा नोबेल प्राइजेस जीत चुके हैं सिर्फ पिछले 100 सालों में। बट साइंस जो रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, इस्लामिक कंट्रीज के बच्चे उसके इतने अगेंस्ट क्यों हैं? वेल, इसके तीन मुख्य कारण हैं। पहला, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार मेजॉरिटी मुस्लिम्स का ये बिलीफ है कि मॉडर्न साइंस एक एथिस्ट प्रैक्टिस और वेस्टर्न प्रोपोगंडा है। दूसरा कारण, मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज में मदरसा एजुकेशन ही प्राइमरी एजुकेशन होता है जो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कल्चर के एजुकेशनल वैल्यूज पर ही फोकस करता है, ना कि स्टूडेंट को एकेडमिकली होशियार या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज देने पर। और तीसरा रीजन, बच्चों को साइंस के खिलाफ करने के लिए सबसे पहले जिम्मेदार है खुद इन इस्लामिक कंट्रीज के रिलीजियस लीडर्स। एक प्रोमिनेंट इस्लामिक लीडर और इन्फ्लुएंसर है डॉक्टर जाकिर नायक, जिन्होंने डार्विन की थियरी ऑफ एवोल्यूशन को ही डिस्प्रूव कर दिया। नॉट ऑन थियरी देन अजम्पशन, डार्विन्स थियरी हैज नॉट बीन प्रूवन, वी हैव नॉट बीन क्रिएटेड फ्रॉम एप, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट स्पीक अगेंस्ट दैट एंड कुरान स्पीक्स अगेंस्ट दैट आल्सो। डार्विन की थियरी को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए ये होमो सेपियंस को तक 500,000 साल पहले मार चुके हैं। द होमो सेपियंस वी डेड अबाउट 500,000 इयर्स अगो। तो फिर हम कौन है भाई? अब आप मुझे बताओ, अगर हम साइंस नहीं पढ़ते तो शायद हम भी बिना कोई सवाल उठाए इनकी बात को एज अ फैक्ट मान लेते, और यही होता है ऐसे लीडर्स को फॉलो करने वाले यूथ और मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ, क्योंकि उनका साइंस से दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है और इसीलिए उन्हें लगता है कि उनके लीडर्स को सब कुछ पता है, डॉक्टर की डिग्री जो लेकर बैठे। वेल, साइंस में अथॉरिटी की या डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है जैसे धर्म में है, बल्कि एविडेंस यानी सबूत की वैल्यू है। हमारे आसपास आंखों से नहीं दिखाई देने वाले रेडियो वेव्स है, इसका सबूत फोन टेक्नोलॉजी में ही है जिसको यूज करके आप मैं फोन पर बात कर पाते हैं। हमारे आसपास ना दिखने वाले सूक्ष्म वायरस होते हैं और इसका सबूत तो पूरी दुनिया को कोविड पैंडेमिक ने ही दिखा दिया था। साइंस अथॉरिटी नहीं, एविडेंस पर चलता है, जो एविडेंस जाकिर नायक सर के पास अपने बयानों को जस्टिफाई करने के लिए नहीं है। और जो भी तरक्की मॉडर्न इंसान ने देखी है वो साइंस की ही देन है। अगर इस्लाम का गोल्डन एज कभी आया था तो वो भी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आया था क्योंकि सही इस्लामिक लीडर्स ने
धर्म की सही प्रेरणा देकर साइंस और एजुकेशन को बढ़ावा दिया था, ना कि अपने राजपाट छीन जाने के डर से लोगों को अज्ञानता के अंधेरे में रखा। इसी मुद्दे पर पाकिस्तानी आर्मी के एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने ट्रिब्यून में अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया कि करप्ट इस्लामिक लीडर्स अपनी दुकान बंद होने से डरते हैं और इसीलिए वो यूथ को साइंस और टेक्नोलॉजी से दूर रखते हैं, क्योंकि एक बार साइंस पढ़कर बच्चों का एस्पिरेशन अगर बढ़ गया, उनकी बुद्धि खुल गई, तो वो हर चीज पर सवाल उठाएंगे। और ऐसा अगर हुआ तो करप्ट लीडर्स का लोगों को प्रोपोगैंडास के थ्रू कंट्रोल करके पावर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो अब फ्रेंड्स, फाइनली आते हैं रूट कॉज पर कि क्यों इस्लाम धर्म में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि धर्म को जिस सिस्टम से चलाया जा रहा है, जो इंसानों ने ही बनाया है, उसमें प्रॉब्लम है। इस पूरे मुद्दे पर मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर खालिद खान ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया कि आखिर क्यों मुस्लिम कंट्रीज साइंस से दूर चले गए और गरीब होते गए। सो आखिर ऐसा क्या हुआ इस्लामिक गोल्डन एज के बाद? चलिए वापस से 8th सेंचुरी में जाते हैं। इस्लामिक गोल्डन एज की शुरुआत में अब्बासीद खलीफ सुन्नी इस्लाम को फॉलो कर रहे थे, पर 9th सेंचुरी आने तक इस्लामिक राज्यों में दो और डायनेस्टीज खड़ी हो गई, फातिमिड डायनेस्टी और बुइड डायनेस्टी, जो कि दोनों शिया बेस्ड डायनेस्टी थी। धीरे धीरे इन दोनों डायनेस्टीज की पावर बढ़ती चली गई और 10th और 11th सेंचुरी आते आते इनकी शिया आइडियोलॉजी इस्लामिक राज्यों में मेजरली फैल चुकी थी। अब सुन्नी अब्बासीद्स का इस्लाम और उनकी अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ बगदाद में ही बसे एक छोटे से राज्य तक ही सीमित रह गई, जिनके पास ज्यादा पावर नहीं बची। वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे रिलीजियस गुरु बन के रह गए जो कि अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट ही नहीं कर पा रहे थे। अपनी पावर को बढ़ाने के लिए अब्बासीद्स को किसी सुन्नी डायनेस्टी का साथ चाहिए था, और तभी उनकी नजर पड़ी सुन्नी सेल्जुक टर्क्स पर, जो तभी उस समय के टर्की में रूल कर रहे थे। और फिर अब्बासीद्स ने सेल्जुक की मदद से बगदाद में हमला करवा दिया, जिससे पूरा बगदाद सेल्जुक्स की ताकत की वजह से अब्बासीद और सेल्जुक के अंडर आ गया। और फिर सेल्जुक ने अब्बासीद्स को बगदाद का रिलीजियन हेड बना दिया, जिसके बाद से वहां से सारे ऑर्डर्स अब्बासीदों द्वारा ही पास होने लगे। इन शॉर्ट, अब्बासीद पूरे बगदाद के खलीफ बन चुके। लेकिन अब यहां पर फिर भी बगदाद के अलावा बाकी के सारे इस्लामिक कंट्रीज में शिया आइडियोलॉजी ही फैल रही थी, और इसे रोकने के लिए अब्बासीद्स और सेल्जुक्स ने मिलकर निजाम अल मुल्क को अपॉइंट किया, जो कि सेल्जुक के वजीर थे। अब निजाम अल मुल्क को याद रखना, यही इस कहानी के मेन कैरेक्टर होंगे। इन्होंने ही आगे जाकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कि बैकफायर होगा और एक्सट्रीमिज्म का बीज बोएगा। उस सिस्टम का नाम था निजामिया सिस्टम, जिसने ही जन्म दिया मदरसास के कल्चर को। अब ये मदरसास धीरे धीरे सभी इस्लामिक कंट्रीज में फैलने लगे, जो कि रेडिकल सुन्नी आइडियोलॉजी को बढ़ाने लगे अपने पावर को बढ़ाने के लिए। उसी दौरान एक और एक आइडियोलॉजी को एक बहुत ही बड़ा उछाल मिला, जो थी अशराइट आइडियोलॉजी। ये आइडियोलॉजी टोटली साइंस के अगेंस्ट थी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझे तो उनका कहना यह था कि अगर हम आग के सामने कॉटन रख दे तो वो कॉटन हीट के वजह से नहीं जलता, बल्कि अल्लाह की रजा के वजह से जलता है। मतलब उस कॉटन के जलने के पीछे साइंस नहीं, बल्कि अल्लाह का विल है। बेसिकली इस अशराइट आइडियोलॉजी ने अल्लाह पर भरोसे को अंधभक्ति में कन्वर्ट कर दिया, और उनका फेथ टोटली साइंस और एजुकेशन के अगेंस्ट जाने लग गया। अब मेजर प्रॉब्लम ना यहाँ पर यह हुआ कि इसी अशराइट आइडियोलॉजी को फिर अब्बासीद खलीफ का भी सपोर्ट मिला, और यहीं से ही इनके साइंटिफिक इस्लामिक आइडियोलॉजी पर फुल स्टॉप लग गया। अब जो बगदाद रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करता था, अब वो रेडिकल थिंकिंग पर शिफ्ट हो गया। इब्न रशीद जैसे सारे रैशनल स्कॉलर्स जो साइंस को प्रैक्टिस किया करते थे, उनके किताबों पर बैन लगने लग गया, उन पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया गया। जो भी इन साइंटिफिक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता, उन्हें जेल में डाल देते या फिर मार भी देते। इन शॉर्ट, हाउस ऑफ विजडम की दीवारें ढीली पड़ गई थी। लेकिन फिर भी इतने सालों से चलती आ रही फिलॉसफी को आम इंसानों के दिमागों से निकालना अब्बासीद्स के लिए मुश्किल था, और इसीलिए फिर अब्बासीद्स ने यह ऐलान कर दिया कि जो भी निजामिया मदरसास से एजुकेटेड होंगे, उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स दिया जाएगा, यानी गवर्नमेंट की टॉप पोजीशन जैसे जुडिशरी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट उन्हें दी जाएगी। उन्हें पूरी तरीके से इंसेंटिवाइज किया गया ताकि वो इस नए निजामिया सिस्टम में पड़े, और बस इसी स्ट्रेटेजिक चेंज, इसी पॉलिसी शिफ्ट के वजह से आम जनता रैशनल से रेडिकल थिंकिंग पर शिफ्ट हो गई, और जो बचा खुचा हाउस ऑफ विजडम था, वो भी 12वीं सदी में मंगोल्स के इन्वेजन से तबाह हो गया। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ यूरोप के राज्यों ने इसी हाउस ऑफ विजडम की किताबों को लैटिन ग्रीक में ट्रांसलेट करके डेवलपमेंट पर फोकस करना शुरू कर दिया, और वो तरक्की के मार्ग पर निकल पड़े, जिसने आने वाले कुछ सालों में उनका गोल्डन एज ला दिया। यूरोपियन पावर्स कॉलोनाइजर्स क्यों बन पाए? क्योंकि वो दूसरे साम्राज्यों से ज्यादा साइंटिफिकली एडवांस थे।
ज्यादा सिविलाइजेशनल नॉलेज उनके पास था और संपन्नता ने ज्ञान को फॉलो किया। और इसीलिए तो मैंने कहा था कि रिलीजियन इनका प्रॉब्लम नहीं है, इनका प्रॉब्लम है निजामिया सिस्टम से डिराइव्ड सिमिलर मदरसा सिस्टम्स, जो पॉलिटिक्स और रिलीजियन को एक बना देता है, इंटीग्रेट कर देता है, जो यूएस जैसे एक डेवलप्ड देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा से ही सेपरेट रखने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट हर डेवलप्ड कंट्री पॉलिटिक्स और रिलीजन को सेपरेट रखता है। अब ये प्रॉब्लम क्यों है भला? वेल, क्योंकि अगर एक मुस्लिम बच्चा बचपन से ही मदरसाओं में जाएगा स्कूल्स के जगह पर, तो रिलीजियस क्लेरिक्स और लीडर्स का इन्फ्लुएंस उनमें बढ़ने लगेगा, और जवान होने तक वो उनके लीडर्स की हर बात को सच मानेंगे, जिससे असली इन्फ्लुएंशियल पावर तो रिलीजियस क्लेरिक्स के पास ही आ जाएगा। उस देश की सरकार जो कुछ भी चाहती हो, पर पब्लिक तो वही चाहेगी जो रिलीजियस क्लेरिक्स चाहेंगे। रिलीजियन और पॉलिटिक्स का कभी भी पूरा इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए, वरना सारी पावर जाकिर नायक जैसे रिलीजियस लीडर्स के पास आ जाएगी, जिन पर आज केस है सैकड़ों करोड़ों की मनी लॉन्डरिंग करने का, इल्लीगल पैसों से फ्लैट्स परचेस करने का, और अब ये देश से भागकर भगोड़े घोषित हो चुके हैं। आज सऊदी अरेबिया का ही केस इस सिस्टम के फ्लॉ को बेस्ट दर्शाता है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तेल की घटती डिमांड को देख भविष्य में सऊदी की सलामती के लिए न्यू डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं, कट्टरपन को कम कर रहे हैं और यूएई जैसे अपने देश को मॉडर्नाइज कर रहे हैं टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए। लेकिन हर एक एक्शन पर उन्हें मुस्लिम क्लेरिक्स का ऑपोजिशन झेलना पड़ता है, जो देश को मॉडर्नाइज होने से रोक रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे को एकदम डिटेल में मैंने अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है प्रॉपर डेटा के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने एक यूनिवर्सिटी ओपन करने का फैसला लिया जहां पर मेल्स और फीमेल्स दोनों एक साथ रिसर्च कर सके, बट वहां के रिलीजियस क्लेरिक्स ने जिनके पास एक्चुअल पावर और एक्चुअल इन्फ्लुएंस है, उन्होंने प्रिंस को ऐसा नहीं करने का ऑर्डर दे दिया। अब सऊदी हर एक कदम में ऐसे ही प्रॉब्लम से जूझ रहा है और मुस्लिम क्लेरिक्स इन रिफॉर्म्स को एंटी इस्लामिक बताकर सिंपथी ले रहे हैं और वायलेंस भी करवा रहे हैं। Once again, ये वीडियो चेकआउट करना सारे डेटा और फैक्ट्स के साथ। बट बदलते वक्त के साथ फ्रेंड्स, अगर रिफॉर्म्स नहीं आए और सभ्यता ही जिंदा नहीं बच पाई बिकॉज ऑफ दैट, तो क्या धर्म भी बचेगा क्या? आज कहां गए इजिप्शियन, एस्टेक या मायन गॉड्स, कोई उन्हें पूछता है क्या? एंड दैट्स एग्जैक्टली माई पॉइंट। हमने हमेशा हमारे दोनों चैनल्स गौरव ठाकुर और गेट सेट फ्लाई साइंस के थ्रू साइंटिफिक टेम्परमेंट और रैशनल थिंकिंग को प्रमोट किया है, बट अलॉन्ग विद दैट कल्चर को भी, क्योंकि कल्चर हम इंडियंस को यूनाइट करेगा और दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हमें बैलेंस चाहिए, कट्टरपन नहीं, और यही मेरा पर्सनल मैसेज मेरे हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों को भी रहेगा। हर लीडर, हर रिलीजियस क्लेरिक बुरे नहीं होते, आपको बस खुद से और उनसे क्वेश्चन करना चाहिए जहां पर भी आपके मन में कोई सवाल आए। आंखें बंद करके कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, उसके पीछे के लॉजिक के बारे में पूछना चाहिए। ट्रस्ट बट वेरीफाई, क्योंकि अपनी सोच और भविष्य की चाबी आप किसी के भी हाथ आंखें बंद करके नहीं रख सकते। और उम्मीद है मुस्लिम वर्ल्ड इन सभी प्रॉब्लम से जल्दी बेहतर उभर कर आएगा इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करके, और इंडियन मुस्लिम्स इंडियन हिंदूज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इंडिया को अपने गोल्डन ग्लोरी तक पहुंचाएंगे। एक ऐसा ही रैशनल और न्यूट्रल एनालिसिस हमने इस पीएम मोदी टर्निंग इनटू अ डिक्टेटर इस मुद्दे पर भी किया है। क्या भारत का संविधान वाकई में खतरे में है? क्या माइनॉरिटीज भारत में खतरे में है? इसे मैंने डिटेल में अपने इस वीडियो में डिकोड किया है, और वो भी एकदम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से। आई हाईली सजेस्ट एक जागृत नागरिक होने के चलते आप इसे जरूर देखें। एंड एज ऑलवेज बी रैशनल एंड कीप क्वेश्चनिंग। जय हिंद।